तो कैसे हो भाई लोग, क्या हाल चाल? तो भाई लोग, बहुत दिनों से मैं ग्रैंड आरपी खेल रहा हूँ। वो एक सर्वर है एंड लिटरली मैंने इतना उसमें ग्राइंड किया है कि मेरे को ऐसी चीज़ें कुछ पता चली है जो लिटरली किसको पता नहीं रहती, और कोई भी यूट्यूबर बताता नहीं कि ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है, लेकिन मैं आ गया हूँ आपको बताने के लिए वो चीज़ें। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की है कि कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आ चुका हूँ आपको बताने के लिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले उसमें से 5 चीज़ें जो आपको नहीं पता होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, जो दूसरे यूट्यूबर ने भी आपको नहीं बताया रहेगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स बिगन विद टुडेज वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया तो जल्दी जाकर रजिस्टर कर लो यार। तुम लोग कर क्या रहे हो दिन भर यार, मस्त खेलो इसमें। एंड ऑल्सो मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करोगे तो आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी पैसे से। एंड तो हमारा पहला चीज़ आता है वो है सर्वर रूल्स। तो बेसिकली सर्वर रूल्स बहुत आसान है और आपको सिर्फ पढ़ लेना है। वो जो भी वेबसाइट है वो सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जल्दी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली होम पेज है ग्रैंड आरपी का। यहाँ पर आपको जाना है फॉरम्स में। फॉरम्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्वर एंड फॉरम्स रूल, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है सर्वर रूल्स। फिर यहाँ पर आपको बेसिकली 7 सर्वर रूल्स मिल जाएंगे। वो सर्वर रूल्स के अंदर आता है और अंदर सब पार्ट्स, जैसे जनरल रूल का अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उसके इतना सब महाभारत। तो बेसिकली आपको ऐसा पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको 7 सर्वर रूल मिलते हैं। 7 में से आपको मैं प्रेफर करता हूँ जनरल रूल और रूल फॉर ग्रीन जोन। ये दोनों आप पढ़ लेना तो आप बेसिकली डिमॉर्गन होने से बच जाओगे एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि सिचुएशन टैकल आउट कैसे करना है। बेसिकली दोनों बहुत आसान है और मैंने 2 दिन में पढ़ दिए थे। मैंने पूरे 7ों के 7 दो दिन में पढ़ लिए थे। सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड चीज़ की तरफ। तो हमारी सेकंड चीज़ आ जाती है आरपी लैंग्वेज। आरपी लैंग्वेज बहुत इजी है। अगर आप स्टार्टिंग में हो और आप ग्राइंड कर रहे हो बहुत टाइम तक, बेसिकली 1 महीना, तो आपको समझ जाएगा आरपी लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली। तो आरपी लैंग्वेज बहुत आसान है। जैसे हम बेसिकली आईआरएल मतलब इन रियल लाइफ IRL में हम बात करते कि भाई सुनना यार, वो जरा तेरा हाथ लंबा करके वो पानी का बोतल मेरे को दे। सिंपली हम आरपी लैंग्वेज में क्या करते हैं कि अगर आप कौन सा की, समझो अगर मेरा F8 है, ठीक है, F8 को मेरे को दबाना है, किसी को बोलना है कि भाई तू अपना कीबोर्ड का F8 दबा, तो हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलते भाई सुन हेलो अपने कीबोर्ड का F8 दबा, हम ऐसे नहीं बोलते। हम उसको बोलते प्लीज़ फ्लेक्स योर F8 मसल। ठीक है, मसल मतलब होता है जो की, ठीक है, F8 हमारा मसल हो गया, और अगर उसको दबाना है तो वो हो जाएगा तुम्हारा फ्लेक्स। ठीक है, तो F8 मसल। और मैं सच बताऊँ ना, मेरी बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरे को 1 महीना लग गया समझने के लिए कि F8 और F10 का काम क्या होता है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड चीज़ की तरफ जो है फूड। बेसिकली ये कोई बताता है भी नहीं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट 4 लोगों को लगता नहीं है, पर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मैं इसको रोज अपने पास रखता हूँ। तो बेसिकली तीसरा चीज़ फूड इसलिए है क्योंकि अभी समझो मेरा हेल्थ आप देख सकते हो बहुत कम है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के नज़दीक हूँ तो मैं अंदर जाके $100 दे के भी मेरा हेल्थ फुल करा सकता है। लेकिन मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा कि फूड से कैसा काम होता है। तो बेसिकली अगर मैप पे आप ये लोकेशन पे आते हो जो है हार्ट का लोकेशन, यहाँ पर बेसिकली आप जैसे आओगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसा फूड स्टॉल्स दिखेंगे। तो आपको फूड स्टॉल्स में से है ना ऐसा अंदर जाना है, ई दबा देना है, फिर यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा। ओपन करके यहाँ पर बहुत सारे फूड्स दिखते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ आप ग्रिल्ड स्टेक लो। ग्रिल्ड स्टेक 250 का आता है, मेरे पास 7 पड़े हैं तो मैं अभी फिलहाल ले लूँगा, कितना 15 ले लेता हूँ। तो ये आपको समवॉट 375 कॉस्ट कर लेगा, आप ले लो इसे। आप ले लोगे तो उसके बाद मैं इसको क्विक एक्सेस पर रखता हूँ 5 पे। तो अभी देखो मैं 5 दबा दूंगा तो खाना चालू कर दिया। आप मेरा हेल्थ देख सकते हो बहुत बढ़ चुका है। सिमिलरली और एक बार क्लिक करूंगा तो और बढ़िया आएगा और मेरा हेल्थ यहाँ पर फुल हो जाता है। तो ये था हमारा थर्ड चीज़ जो बेसिकली कोई बताता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो। वो चीज़ आता है कसिनो। तो बेसिकली ये किसी को पता नहीं है कसिनो मतलब कहाँ क्या करना है कसिनो में एग्जैक्टली। उनको लगता है कि जुआ खेलना रहता है, नॉट दैट थिंग। कसिनो आपको मैप पे मिल जाएगा इधर, बेसिकली हार्ट के ऊपर ही है वो। तो यहाँ पर आपको आ जाना है कसिनो के। कसिनो में आपको आने के बाद कसिनो में आपको अंदर चले जाना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग आपको करनी पड़ती है अंदर जाके, मैं बताता हूँ। तब अंदर आ गए, अंदर आने के बाद बेसिकली आपको 4 घंटा खेलना पड़ता है तब जाके ये चीज़ हो जाती है। आपको एक व्हील के पास आना है, आपको ई दबाना है, यहाँ पर दिखाना है व्हील इज अवेलेबल आफ्टर स्पेंडिंग 4 आवर्स इन द गेम। तब वो 4 घंटा खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अवेलेबल कर पाओगे। फिर वो
स्पिन करने का आपको बेसिकली चिप्स मिलते हैं, जितने भी चिप्स मिले वो आंटी के पास आने का, आंटी को बोलने का यस आई वांट टू सेल चिप्स, सेल करके देखो एक चिप 90 का जाता है, तो अभी समझो मेरे पास 10 चिप्स होंगे तो भाई बहुत ज्यादा है, बिकेगा 10 चिप्स आपको मिलेगा 900 का तक का बिक जाएगा, तो मतलब वहां पर बेसिकली 1000-2000 चिप्स मिल जाते हैं, तो आप वहां से आपको देखो मेरे को दो बार मिला है चिप्स, और एक टाइम 200 मिला है और एक टाइम मेरे को 600 मिला है, तो भाई चिप्स बहुत फायदेमंद है, लेकिन 4 घंटा आप ग्राइंड करते हो तो उसके बाद ही हो सकता है वरना नहीं होता। लास्ट चीज आती है आर्मरी, बेसिकली ये बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरे को भी लाइक अभी 15 दिन पहले पता चला कि ऐसा भी होता है, तो ये चीज करने के लिए हमें कपड़े चेंज करने पड़े हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट बेसिकली आप देख सकते हो मैप पे इधर आता है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक मार्केट आप जा सकते हो, लेकिन हाँ बेसिकली अगर आप उनसे ऑर्ग में नहीं हो तो ही आप जाना, नहीं तो अगर आपके पास अगर ये आर्मरी पकड़ी गई आपसे तो बेसिकली आपको अंडर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड आपको अंदर ले लिया जाएगा, फिर आपको जेल का प्रिजन बेसिकली करना पड़ेगा, समझ जाओ यार इलीगल आइटम्स। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो मैप पे कि इधर एक गन का साइन है, वहाँ पर 15,000 की चीज़ें बिकते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक मार्केट है यहाँ पर आपको सस्ते में चीज़ें मिल जाएगी, जैसे अभी समझो कौन सा भी एक मैं ये शॉप खोलता हूँ तो यहाँ पर है ना आपको सस्ते में चीज़ें मिलेगी, जैसे आप देख सकते हो इधर यहाँ पर बुलेट्स कितना 10,000 का बिक रहा है 50, वहाँ पर 50 से आपको वो 50 बुलेट से आपको तकरीबन 70,000 तक का मिलता है बिकता हुआ, ठीक है। अभी समझो आपको वेपन देखने हैं, भाई लोग रख ही नहीं रहे यार, अलग नशे भाई लोग के, दिखा यार हाँ अभी देखो ये AR है, देखो 9,000 का बिक रहा है, वो ही अगर हम लोग दुकान से लेने जाएंगे बेसिकली आर्मर दुकान से तो आप लोग को 15,000 से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला, अब 9,000, लेकिन ये सब इलीगल आइटम्स है, और अगर आपको कुछ इलीगल काम करना है, रॉबरी करनी है कुछ करनी है तो ही आप यहाँ से ले लेना वरना मत लेना। और मैं बेसिकली ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता उधर क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ, तो बेसिकली अगर तुमने कुछ कांड किया मेरा वीडियो देख के तो मैं तुमको जरूर पकड़ूंगा। तो यही थी 5 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, और भाई मेरे पास बहुत आगे है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, तो मेरे को समझेगा कि और ऐसे ही वीडियोस बनानी चाहिए मैं ग्रैंड आरपी पे। तो गाइस मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।